हेलो बच्चों, वेलकम टू शिक्षापुर। मैं अविनाश कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डॉल्फिन। क्लास थ्री का हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, डीएवी पब्लिकेशन का, और सेक्शन वन जो कि एनिमल वर्ल्ड है उसका हम लोग दूसरा, उसमें छोटा छोटा चैप्टर दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग डॉल्फिन के बारे में सेकेंड चैप्टर आप मान सकते हैं उसमें सेक्शन वन का, तो आपका डॉल्फिन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर लीजिए, क्योंकि मैं डीएवी पब्लिकेशन का और एनसीईआरटी का सभी बुक्स पढ़ाने वाला हूं। चलिए अब हम पढ़ते हैं। तो इससे डॉल्फिन पढ़ने से पहले ये जो दिया हुआ है इसको हम समझा देते हैं। चलिए इसको भी समझा देते हैं। देर आर मैनी एनिमल्स, बहुत सारे जानवर होते हैं, विच आर डोसाइल, जो कि विनम्र होते हैं, विनीत होते हैं, पीसफुल मैंने शांतिपूर्वक होते हैं, शांतिपूर्ण होते हैं, एंड फ्रेंडली, और काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, मैंने दोस्त जैसा, मतलब बहुत जल्द दोस्त जैसा व्यवहार करने लगते हैं, फ्रेंडली उसको बोला जाता है। बट लेकिन वी यूजुअली, लेकिन हम लोग सामान्यतः डू नॉट कीप, नहीं रखते हैं देह, मैंने उनको एज पेट, मतलब पेट के रूप में, पालतू के रूप में, मतलब पालतू जानवर के रूप में उसे नहीं पालते हैं। नेम ए फ्यू सच एनिमल, कुछ जानवरों के नाम बताएं, ऐसे ही कुछ जानवरों के, सच मतलब ऐसे ही, एनिमल फ्यू मैंने कुछ, नेम मतलब नाम बताएं, ए फ्यू मैंने कुछ, सच एनिमल ऐसे ही सच जानवरों का नाम बताएं। डिस्कस विथ योर पार्टनर, और डिस्कस करें अपने पार्टनर के साथ, हाउ वी कैन बी गुड फ्रेंड्स, हम लोग कैसे अच्छे दोस्त हो सकते हैं, विथ सच एनिमल ऐसे जानवरों से के साथ अच्छे दोस्त कैसे बन सकते हैं। ये था डिस्कस करने के लिए। चलिए ये पढ़ देते हैं। वी जनरली, हम लोग सामान्यतः कन्फ्यूज होते हैं, ए डॉल्फिन विथ ए फिश, कि डॉल्फिन एक फिश है कि नहीं, इससे हम लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि डॉल्फिन एक मछली है कि मछली नहीं है। बट लेकिन डॉल्फिन इज नॉट ए फिश, लेकिन डॉल्फिन एक मछली नहीं है। लेट अस रीड, चलो पढ़ें द पैसेज, ये नीचे दिया हुआ है उस पैसेज को पढ़ें, टू फाइंड आउट और जानें मोर अबाउट, और ज़्यादा दिस फ्रेंडली क्रिएचर के बारे में, यह जो फ्रेंडली क्रिएचर है या जो फ्रेंडली जीव है, बहुत ही फ्रेंडली, मतलब दोस्त जैसा बहुत जल्द बन जाता है दोस्त, ये फिर इसको फ्रेंडली बोला जाता है, फ्रेंडली क्रिएचर है, इसके बारे में चलो और ज़्यादा जाने, फाइंड आउट करें मतलब। चलिए हम लोग डॉल्फिन के बारे में पढ़ते हैं। पीपुल हैव लाइक डॉल्फिन, पीपुल ना डॉल्फिन को फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, मैंने हजारों सालों से डॉल्फिन को लोग पसंद करते किए हैं, डॉल्फिन को लोग पसंद किए हैं, हजारों सालों से मैं पसंद करते आए हैं। डॉल्फिन सीम्स, डॉल्फिन प्रतीत होता है, टू लाइक अस टू, हम लोगों की जैसा ही प्रतीत होता है, हम लोगों की तरह ही वो प्रतीत होता है। व्हाट डज ए डॉल्फिन फील लाइक, ए वेट रबर, क्या डॉल्फिन एक फील करता है, महसूस करता है, ए वेट रबर मतलब एक गीला रबर, रबर फ्लेक्सिबल होता है ना, तो ये डॉल्फिन भी रबर की तरफ फ्लेक्सिबल होता है, लचीलापन होता है, इसलिए वह कहा जा रहा है, क्या डॉल्फिन अपने आप को वेट रबर जैसा फील करता है, अपने आप को सोचता है कि मैं एक वेट रबर हूँ। व्हाट डज ए डॉल्फिन फील लाइक, ए वेट रबर, क्या डॉल्फिन ऐसा सोचता है। डॉल्फिन स्पेंड, डॉल्फिन बिताता है देयर होल लाइफ, अपना पूरा जीवन इन वाटर, पानी में। बट दे आर नॉट फिश, लेकिन वे फिश नहीं हैं। डॉल्फिन्स बिताते हैं, डॉल्फिन स्पेंड, डॉल्फिन बिताते हैं देयर होल लाइफ, अपना पूरा जीवन इन वाटर, पानी में। बट दे आर नॉट फिश, लेकिन वे मछली नहीं हैं। फिश कैन ब्रेथ इन वाटर, फिश कैन ब्रेथ, फिश ना सांस ले सकते हैं इन वाटर, पानी में। बट डॉल्फिन, लेकिन डॉल्फिन होते हैं ब्रेथ, सांस लेते हैं थ्रू ए होल, एक होल के द्वारा, एक छेद के द्वारा, ऑन द टॉप, जो कि उसके ऊपर होता है, ऑफ देयर हेड, उसके सर के जो ऊपर होता है छेद, उसके द्वारा सांस लेते हैं। व्हाट डू डॉल्फिन ईट, डॉल्फिन क्या खाते हैं, फिश खाते हैं। एंड दे आर गुड एट कैचिंग देम, और वे
अच्छे होते हैं, दे आर गुड, वे अच्छे होते हैं एट कैचिंग देम, उनको पकड़ने में काफ़ी अच्छे होते हैं, मैंने निपुण होते हैं पकड़ने में। डॉल्फिन्स लिव इन ग्रुप्स, डॉल्फिन्स रहते हैं ग्रुप्स में, रहते हैं ग्रुप बनाकर, सो इसलिए दैट दे कैन हेल्प ईच अदर, इसलिए वह जो है वे हेल्प करते हैं, वो हेल्प कर सकते हैं, दे कैन हेल्प, वे हेल्प कर सकते हैं ईच अदर, एक दूसरे को, इसलिए वे लोग ग्रुप में रहते हैं। इफ ए किलर, यदि कोई किलर मतलब मारने वाला शार्क, यदि कोई किलर शार्क कम्स आता है बाय उनके उनके करीब, द डॉल्फिन सर्किल, जो डॉल्फिन का डॉल्फिन सर्किल अराउंड इट, तो उसके चारों ओर में डॉल्फिन सर्किल बना लेते हैं, एंड स्केयर इट अवे, और उसे डरा करके स्केयर करके भगा देते हैं, अवेयर उसे भगा देते हैं। देखिए आगे है, डॉल्फिन्स आर यूजुअली जेंटल, डॉल्फिन सामान्यतः, यूजुअली मैंने सामान्यतः, जेंटल मतलब नेक होते हैं, बट लेकिन सम टाइम, कभी कभी, लेकिन कभी कभी, बट सम टाइम कभी कभी, दे गेट एंग्री, कभी कभी वे हो जाते हैं, गेट मैंने हो जाते हैं, एंग्री मतलब गुस्सा जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, एंग्री मतलब गुस्सा हो जाते हैं, गुस्सा होना नाराज होना, वेन जब दे आर एंग्री, जब वे एंग्री होते हैं मतलब नाराज होते हैं, गुस्सा होते हैं, दे मेक ए लॉर्ड, तो वे एक आवाज़ निकालते हैं, दे मेक ए लॉर्ड, एक आवाज़ निकालते हैं, क्लैपिंग नॉइज, लाउड क्लैपिंग नॉइज, एक क्लैपिंग करता हुआ नॉइज निकालते हैं, विथ देयर जॉ, अपने पंजों के साथ, अपने पंजों के साथ मतलब क्लैपिंग करते हुए आवाज़ निकालते हैं, विथ देयर जॉ, अपने जॉ के साथ क्लैपिंग करता हुआ आवाज़ निकालते हैं, या और स्लैप द वाटर हार्ट विथ देयर टेल, या कैसे आवाज़ निकालते हैं, अपने पूंछ से, अपने पूंछ के साथ पानी को स्लैप करते हैं, जोर जोर से पानी में ऐसे पूंछ को मारते हैं, इससे आवाज़ निकालता है, पानी को अपने पूंछ पूंछ से स्लैप करते हुए करते हैं, इससे आवाज़ निकलता है, जब नाराज होते हैं तो इस तरह से, या तो पूंछ हिला करके आवाज़ निकालते हैं पानी में, या फिर अपने पंजों को, पंजों से क्लैप करके आवाज़ निकालते हैं। डॉल्फिन आर ऑफन वेरी हेल्पफुल, डॉल्फिन हैं, आर मतलब हैं, ऑफन माने हमेशा, वेरी हेल्पफुल माने हमेशा, तो बहुत ही हेल्पफुल हैं, ऑफन में अक्सर या हमेशा हेल्पफुल हैं, डॉल्फिन आर ऑफन वेरी हेल्पफुल, डॉल्फिन अक्सर हेल्पफुल होते हैं। वन नाइट ए वुमेन फॉल फ्रॉम ए बोट, इसमें कहा जा रहा है कि एक रात ए वुमेन, एक औरत, फेल मतलब गिर गई, फ्रॉम ए बोट, एक बोट से गिर गई, इंटू द ओशियन, एक समुद्र में गिर गई। इंटू द ओशियन, एक समुद्र में गिर गई। नो वन सा हर फॉल, किसी ने उसको गिरते हुए नहीं देखा। नो वन, कोई नहीं, सा मतलब देखा, हर फॉल उसका गिरना कोई नहीं देखा, उसको गिरते हुए कोई नहीं देखा। शी ट्राई टू सीम, वह कोशिश की, शी ट्राइड, वह कोशिश की ना, कोशिश करती थी, कोशिश की टू स्विम मतलब तैरने की कोशिश करती रही, बट लेकिन सुन जल्द ही ग्रीव टायर्ड मने थक गई, ग्रीव मने हो जाना टायर्ड में थक गई तैरते तैरते। आफ्टर ए वाइल, कुछ समय के बाद ए डॉल्फिन, कुछ ही वाइल मने कुछ ही क्षणों के बाद, ए डॉल्फिन कैम, एक डॉल्फिन आया, नियर हर उसके नज़दीक, एंड और जेंटली काफ़ी जेंटल तरीके से, काफ़ी नेक तरीके से, अच्छे तरीके से पुश्ड, उसे पुश किया आगे धकेला, हर मतलब उसे, टुवार्ड्स
स्वैलो वाटर मतलब कम पानी में ढकेल दिया उसे, स्वैलो माने खाली होता है, खाली पानी माने थोड़ा कम पानी में उसको ढकेल के ले आया, ज़्यादा पानी में डूब रही थी तो उसको ढकेल कर पुश करके उसको कम पानी में ढकेल दिया। द वुमेन वाज सेव्ड, इस तरह से वुमेन क्या हो गई, बच गई थी, जान बच गया। द डॉल्फिन हैड सेव्ड हर, डॉल्फिन ने उसे बचा लिया, बचा लिया उसका जान बचा लिया था। आगे अब ये लेसन खत्म हो गया, इसका क्वेश्चन प्रश्न उत्तर एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, मैच करना है ये, मैच द फैक्ट गिवन बिलो, ए से बी को मिलान करना है। ये डॉल्फिन आर नॉट फिश, डॉल्फिन एक मछली, डॉल्फिन मछली नहीं होते, तो यह बात किससे, कौन सा सूटेबल इसके लिए अच्छा है, डॉल्फिन स्केयर की लगे, डॉल्फिन फ्रेंडली, कैनॉट ब्रेथ इन वाटर। हाँ देखिए ये सही है, डॉल्फिन कैनॉट ब्रेथ इन वाटर क्योंकि वह पानी में सांस नहीं ले सकते, इसलिए मछली नहीं है, तो इसको इससे हम लोग मिला देंगे। एक मिनट में ले लेता हूँ, इसको हम लोग इससे मिला देंगे, इसके लिए यह सूटेबल वर्ड है, डॉल्फिन कैनॉट ब्रेथ इन वाटर, इसलिए वह मछली नहीं है। इसके बाद है डॉल्फिन कैन प्रोटेक्ट देम सेल्फ, डॉल्फिन प्रोटेक्ट कर सकता है अपने आप को, डॉल्फिन्स प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को, कैसे, डॉल्फिन स्केयर अवे एक किलर व्हेल क्योंकि वो भगा देते हैं, व्हेन एंग्री डॉल्फिन डॉल्फिन आर फ्रेंडली, और इसके लिए आपका ये सूटेबल वर्ड है, ये हो जाएगा आपका डॉल्फिन्स ना, बहुत सारे डॉल्फिन मिलकर भगा देते हैं किलर व्हेल को, इस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। डॉल्फिन कैनॉट स्पीक बट दे कैन एक्सप्रेस देम सेल्फ, देखिए बोल नहीं सकते लेकिन अपने आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे, तो इस तरह से करते हैं, जब वो एंग्री होते हैं डॉल्फिन तो मेक लाउड नॉइज, अपना आवाज़ जोर से आवाज़ निकालते हैं, विथ देयर टेल्स एंड जो अपने जवाब पंजों से और पूछ से, इसके लिए ये सूटेबल वर्ड है। पीपल हैव ऑलवेज लाइक डॉल्फिन, लोग पीपल ऑलवेज हमेशा डॉल्फिन को पसंद करते हैं, तो इसके लिए ये सूटेबल जो बच गया यही हो जाएगा आपका, डॉल्फिन आर फ्रेंडली क्योंकि फ्रेंडली होते हैं, इस तरह से ये आपका एक्सरसाइज। अगला हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं, से कहें वेदर द फ्लोइंग सेंटेंस आर ट्रू, कौन सा ट्रू है, उसके लिए ट्रू कहना है, फॉल्स है तो फॉल्स के लिए एफ लिखना है और ट्रू के लिए टी लिखना है। डॉल्फिन डू नॉट लाइक ह्यूमन बींग्स, डॉल्फिन डू नॉट लाइक ह्यूमन बींग्स, डॉल्फिन्स पसंद नहीं करते ह्यूमन बींग, ये आपका फॉल्स होगा, इसमें क्या भरेंगे, एफ भर देंगे, डू नॉट लाइक ह्यूमन बींग्स फॉल्स होगा इसमें, डॉल्फिन डू नॉट लाइक पसंद नहीं करते ह्यूमन बींग्स मानव को, ये गलत है, काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, पसंद करते हैं। दे आर वाटर एनिमल्स, वे पानी के जानवर है, ये सही है आपका, आपका ट्रू होगा। डॉल्फिन्स कैच फिश, मछली पकड़ते हैं विथ ग्रेट डिफिकल्टी, काफ़ी कठिनाई से मछली पकड़ते हैं, ये गलत है, कठिनाई से नहीं, काफ़ी निपुण होते हैं, अभी हम लोग पढ़े हैं, ये आपका फॉल्स है, कठिनाई से नहीं काफ़ी आसानी से पकड़ते हैं, आपका फॉल्स होगा। डॉल्फिन लाइक टू लीव ऑल एलोन, डॉल्फिन अकेले रहना पसंद करते हैं, ये गलत है, वो लोग ग्रुप में रहते हैं, यह भी आपका फॉल्स होगा। डॉल्फिन आर नॉट ऑलवेज जेंटल, वे हमेशा नेक नहीं होते, हाँ ये कभी कभी हमेशा ऑलवेज जेंटल तो नहीं होते, कभी कभी गुस्सा भी करते हैं, इसलिए यह भी आर नॉट ऑलवेज जेंटल, ये सही है, ट्रू है, हमेशा जेंटल नहीं होते हैं, वे कभी गुस्सा भी करते हैं। डॉल्फिन कैन एक्सप्रेस देयर एंगर, डॉल्फिन अपने एंगर को व्यक्त करते हैं, ये सही है, इस तरह से ये खत्म हो गया। अगला आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन आपको हमको हम मैं लिख कर आप लोगों इसका, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम पैसेज विच आर अपोजिट ऑफ द वर्ड गिवन बिलो, जो कि अपोजिट वर्ड इसमें लिखना है। ड्राई का क्या हो जाएगा, ड्राई का वेट हो जाएगा, इस कहानी में वेट यूज हुआ है स्टोरी में, तो यहाँ पर डब्ल्यू ई टी वेट हो जाएगा, वेट मतलब गिना। बॉटम का क्या होगा,
बॉटम का आपका टॉप हो जाएगा टीओपी, बॉटम है नीचे, टॉप मतलब ऊपर, ड्राई मैंने होता है सूखा, तो वेट मतलब गीला हो जाएगा, डब्ल्यू टी वेट, टॉप का टीओपी होगा, सॉफ्ट सॉफ्ट में मुलायम हार्ड हो जाएगा, हार्ड डी सी आर डी हार्ड में कड़ा, समटाइम्स मतलब कभी कभी, यहाँ ऑलवेज हो जाएगा ऑलवेज, ए एल डब्ल्यू वाइज ऑलवेज में हमेशा, राइज में बढ़ना तो राइज का क्या होगा फॉल, फिर डबल एल फॉल में गिरना, डिप में होता है गहरा, तो यहाँ पर आपका एस एच ए डबल एल ओ डब्ल्यू सैलो होगा, सैलो मतलब खाली कम पानी कम गहरा में। देखिए आठवां क्वेश्चन है, इसमें भरना है, इसमें इसमें क्या होगा एज यू, इसमें ये इसमें फर्स्ट वाले में ये होगा आपका, ये इसमें एक मिनट, इसमें होगा फर्स्ट वाले में ये भराएगा पहला में, उसके बाद दूसरा में सो साइल यू री, इसमें ये होगा दूसरा वाला में भरा जाएगा, इसमें सेकंड वाले में इसको भरेंगे, चिल्ड्रेन गेट मार्क्स फॉर द राइट आंसर, यहाँ होगा आपका राइट, इसमें होगा पहला में इसमें भराएगा, पहला में इसमें आपका ये भराएगा, और दूसरा में दे राइट, यदि वो लिखते हैं तो इसमें होगा आपका दूसरा में ये होगा, दूसरे में ये भराएगा, मधुर द नेम्स ऑफ ऑल द बॉयज इन द क्लास, मधुर यहाँ न्यू मतलब जानता है, द नेम मतलब नेम जानता है, इसमें होगा पहला में ये होगा आपका, पहला ये इसमें भराएगा, उसके बाद ये न्यू बॉय इसमें ये होगा आपका सेकेंड इसमें भराएगा, इस सेकेंड वाले में भराएगा, इट इज नॉट सर्टेन, यह निश्चित नहीं है वेदर द वेदर विल बी प्लीजेंट, तो ये जो मानसून वाला है ये वेदर जो है ये आपका इसमें भराएगा सेकेंड वाले में, क्योंकि मानसून बोला जा रहा है प्लीजेंट मानसून ही होता है ना, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, हाँ यहाँ पर इसमें ये आपका सेकेंड वाले में मानसून मैंने मानसून प्लीजेंट है होगा तब निश्चित होगा, यहाँ प्लेजेंट वाला इसमें भराएगा और ये वाला जो है ये फर्स्ट वाला आपका इसमें भराएगा, इस तरह से ये देखिए रोड गो द मार्केट, यहाँ पर टू होगा ये इसमें आपका इसमें इसमें फर्स्ट वाले भराएगा, टू रोड गो मैंने दो रोड जाता है, टू द मार्केट मार्केट की ओर, इसमें आपका टू हो जाएगा, ये आपका सेकेंड वाले में भरा जाएगा, चलते हैं आगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, इसका आंसर देना है तो इसका आंसर मैं लिख कर रखा हूँ सुविधा के लिए, तो चलिए मिले चलते, तो देखिए सुविधा के लिए मैं लिख कर रखा हूँ, पहला क्वेश्चन है हाउ डू डॉल्फिन ब्रेथ, डॉल्फिन सांस कैसे लेते हैं, डॉल्फिन ब्रेथ डॉल्फिन सांस लेते हैं थ्रू ए होल, एक होल के द्वारा एक छिद्र के द्वारा ऑन द टॉप जो कि ऊपर होता है ऑफ देयर हेड, उनके हेड के उनके सर के ऊपर होता है उसके द्वारा सांस लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू डॉल्फिन ईट, डॉल्फिन क्या खाते हैं, आंसर होगा डॉल्फिन ईट फिश, डॉल्फिन खाते हैं मछली। तीसरा क्वेश्चन है व्हाई डू डॉल्फिन लिव इन ग्रुप, डॉल्फिन क्यों रहते हैं ग्रुप में, व्हाई मैंने क्यों डॉल्फिन लिव डॉल्फिन रहते हैं ग्रुप्स ग्रुप्स में, आंसर होगा डॉल्फिन लिव इन ग्रुप्स, डॉल्फिन ग्रुप में रहते हैं बिकॉज क्योंकि दे कैन हेल्प, वे हेल्प कर सकते हैं ईच अदर एक दूसरे को, इफ ए किलर शार्क कम्स बाय, यदि एक किलर शार्क आता है उनके नजदीक डॉल्फिन सर्किल अराउंड इट, डॉल्फिन उसके चारों ओर सर्किल बना लेते हैं एंड स्केयर इट अवे, और उसे उसी तरह से स्केयर करके डरा करके भगा देते हैं अवे कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन व्हाट डू डॉल्फिन डू, डॉल्फिन क्या करते हैं व्हेन दे आर एंग्री, जब वे एंग्री होते हैं नाराज होते हैं गुस्सा होते हैं तब क्या करते हैं, आंसर होगा व्हेन दे आर एंग्री, जब वे एंग्री होते हैं दे मेक ए लाउड, वे आवाज जोर से निकालते हैं लाउड आवाज निकालते हैं, क्लैपिंग नॉइज विद देयर जॉ, जॉ अपने पंजों को क्लैपिंग करके आवाज निकालते हैं, या स्लैप द वाटर हार्ड, या जोर से पानी में स्लैप करके विद देयर टेल, अपनी पूंछों से जोर से पानी को स्लैप करके आवाज निकालते हैं।